अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते दोस्तों। मैं इमरान सैद एक बार फिर आपके सामने वार्ड नंबर 59 से, जहां पर शिवसेना उद्धव शिवसेना पार्टी की तरफ से आज रक्तदान का प्रोग्राम रखा गया है 7 बंगलोज पर। हमारे साथ में यहां पर सतीश परब जी है, तारिक पटेल, असद भाई, असद लश्करिया, मास इंडिया न्यूज़ सभी यहाँ पर है। छोटे मियाँ के नाम से ज़्यादा मशहूर है यहाँ पर। इनकी आज तंदूरी यहाँ पर भी मुफ्त में बटेगी। सतीश भाई से शुरू करते हैं। सतीश भाई, आज बाला साहेब का बर्थडे है, इस अवसर पर आप लोगों ने जो रक्तदान का जो प्रोग्राम रखा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हिंदू सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, जिनको हम भगवान मानते हैं, हमने भगवान को देखा नहीं, पर इंसान के नाते जिनसे हमें मिलने का मौका मिला और उनके विचार को हम प्रेरित होकर जो काम करना चाहते थे, और उन्होंने कहा है कि 80% आप समाज के लिए काम करो और 20% आप पॉलिटिक्स में तुम्हें करो, राजकारण करो। तो इस तरीके से हम काम करते टाइम आज उनका 23 जनवरी को उनका बर्थ डेट है, तो हमने उस बर्थ डेट में सबको इनवाइट किया और उस इन्वाइट में सब लोगों ने शामिल हुआ है। हर समाज के लोग आए, जैसे सिया मुस्लिम समाज है, आपका है यारी रोड वर्सोवा मुस्लिम समाज है, फिर संत ज्ञानेश्वर समाज है, काफ़ी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और उनके जरिए हमने ये कार्यक्रम रखा। ये लोगों के हित के लिए, हमारा उसका कोई बेनिफिट ऐसा नहीं है, बट किसी की जान बचेगी, एक खून देने से किसी की जान बचे, उससे बड़ा पुण्य मुझे नहीं लगता कि और कोई पुण्य है। आज एक अनोखी चीज़ देखने मिल रही है रक्तदान में, क्या मतलब लोग जब ब्लड देते हैं तो उनके लिए चाय कॉफ़ी नाश्ता वगैरह रखा जाता है, पर यहाँ पर आप लोगों की तरफ से छोटे मियाँ की तंदूरी, मतलब वर्सोवा विधानसभा की सबसे फेमस तंदूरी, वो भी मुफ्त में दी जा रही है रक्तदान करने वालों को, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कॉन्सेप्ट एक अनोखा लग रहा है। ये अनोखा कॉन्सेप्ट हम और असद भाई जब मिले थे तो असद भाई ने बोला कि अपन ये ऐसा एक कार्यक्रम रखते हैं, ऐसा कोई रखता नहीं है, बट हमने सोचा कि चलो एक अलग ही रखे, जब लोग रखते उससे अपन अलग हट के काम करें और इससे किसी को फ़ायदा हो, वो सोच के हमने एक कॉन्सेप्ट रखा और उसके ज़रिए हमें किसी ने बिस्किट दिया है, किसी ने कैलेंडर सप्लाई किया है, किसी ने बैग दिया है, और उसके साथ हमें जो तंदूरी दी मिली है, जो असद भाई के मैं सच मतलब मन से बोलता हूँ कि उन्होंने जो इनिशिएटिव लेके जो अपने को हेल्प किया, उसके लिए पूरा हमारा शिवसेना शाखा में 59 उनका शुक्रगुजार। तंदूरी पे बाद में आएंगे, उससे पहले हम तारिक भाई, तारिक पटेल साहब शिवसेना के और इनके जो एनजीओ है, इनके जो पूरे सदस्य हैं, इनके इनसे जानते हैं इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे? मैं यारी रोड मुस्लिम समाज से भी हूँ और मैं शिवसेना का भी एक कार्यकर्ता हूँ। मैं उस दिन हमारा ब्लड कैंप हुआ 20 तारीख को, 109 बॉटल किए, लेकिन काफ़ी लड़के जो नहीं आ सके हमारे मुस्लिम समाज से, उनको हमने रिक्वेस्ट की अगर उस टाइम नहीं आ सके हो तो यहाँ पे आओ, 2 बजे के बाद आओ, 5 बजे तक कैंप है सतीश भाई का, तो इसमें आके अपना रक्तदान करो। जैसे कि आपने कहा कि 20 तारीख को आप लोग का भी एक कैंप रहा था, हाँ। इस कैंप में एक अनोखी चीज़ क्या आपको नज़र आ रही है? इसमें अनोखी चीज़ तो यही है, तंदूरी, असद भाई की तंदूरी, और यहाँ पे जैसे हमारे में एकता दिख रही थी कि हर कौम के लोग आए थे, यहाँ पे वही दिख रहा है। शिया जमात से आलम भाई लोग हैं, मुन्ना भाई है, हमारे मुस्लिम समाज से तबलीग जमात से अब्दुल्ला भाई है, कीगल भाई, सलीम भाई, हम लोग सब साथ में मिलकर यहाँ पे, जैसा वहाँ पे यूनिटी दिख रही थी वैसे यहाँ पे यूनिटी दिख रही है हम लोग को। बात करते हैं मास इंडिया चैनल के संपादक असद लश्करिया, छोटे मियाँ, असद भाई क्या कहना चाहेंगे? असद भाई, आपकी तंदूरी आज यहाँ पर भी बढ़ रही है, पहले तो बर्थडे में नज़र आ रही थी। कैसा है कि सतीश भाई, सतीश प्रमुख, शाखा प्रमुख सतीश परब जो है, वो हर एक टाइम पे हर एक लोगों के लिए वहाँ पर खड़े रह के काम करते हैं, जैसे तारिक पटेल हो गए और सभी लोग अपने यारी रोड के ऊपर में सब मिलजुल कर काम करते हैं, और उनके लिए कुछ करना ये बहुत बड़ी बात है कि आज जो दिन रात ना देखते हुए लोगों के लिए दौड़ते हैं, आज उनके लिए, और उन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप बहुत अच्छा रखा है। तारीख ने 20 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप था, आज यहाँ पर 23 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप है, और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों ने यहाँ आना चाहिए, लोगों ने ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो है अलग अलग किस्म के गिफ्ट है, बैग है, कैलेंडर्स है, फिर उसके बाद में ये तो 2-4-6 चीज़ें जो है तो वो ब्लड डोनर को दी जा रही है सतीश भाई की ओर से, और हमने
सोचा कि चलो सतीश भाई को मैंने बताया तो सतीश भाई ने ये आपको क्लियर कर दूं कि इस ब्लड डोनेशन कैंप में जितनी भी तंदूरी जाएगी, अभी 312 कार्ड यहाँ पे बने हुए हैं और उसके अंदर जो भी तंदूरी जाएगी 200 तंदूरी का पैसा जो है वो सतीश भाई ने हमको पहुँचा दिया था, वो भी एडवांस में। उसके बाद ऊपर की जितनी भी तंदूरी जाएगी वो तंदूरी का जो है तो वो हमारी तरफ से रहेगा। एक बात अभी भी असद भाई बताना भूल गए हैं कि तंदूरी एक दिन में नहीं बटेगी, इसके भी 3 दिन तक ये ऑफर चलेगा। अगले बिना ऑफर के असद लश्करिया साहब अधूरे हैं। 3 दिन तक ये ऑफर दिया जाएगा लोगों को, ताकि आज जो ब्लड डोनेट करके जा रहे हैं कहीं दूर से भी लोग जो आएंगे या तो कहीं और आज नहीं आ सके वो कल आ सकते हैं, कल नहीं आ सके वो परसों आ सकते हैं। तो 3 दिन तक जो भी टोकन लेकर आएगा उसको यहाँ से अपने छोटे मियाँ पे ब्लड जो डोनर रहेगा उसको तंदूरी दी जाएगी। एक फैमिली से अगर 2 जान ब्लड डोनेट करते हैं तो 2 तंदूरी मिलती है, इसका मतलब एक फैमिली पैकेज वो छोटी पार्टी घर पे कर सकता है बजाय जू पार्टी जाने। भाई आइए, क्या कहना चाहेंगे भाई इस ब्लड कैंप के बारे में? कुछ अनोखी चीज़ नज़र आ रही है पूरे महाराष्ट्र में, ऐसी चीज़ें देखने नहीं। अनोखी चीज़ ये है कि मेरा पर्सनल ताल्लुक है सतीश परब साहब से, तारिक पटेल से, और हमेशा से जुड़ा रहा हूँ उनके साथ में। आज की मेन बात यह है कि यहाँ जो ये ब्लड दिया जा रहा है, खून दिया जा रहा है, तो ये खून हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है। अब ये खून जो ब्लड जमा हो रहा है, ये हिंदू का खून मुसलमान को जा सकता है, मुसलमान का खून हिंदू को जा सकता है। तो उसमें बस एक ही शेर है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है भाई, बहुत खूब छोटा कहा लेकिन बहुत दिल को छूने वाली बात की थी। यहाँ पर हमारे साथ में सचिन भाई भी है। सचिन भाई, हिंदू मुस्लिम एक साथ, खून कहाँ पर जा रहा है किसी को नहीं पता है, देने सब आ रहे हैं। जय महाराष्ट्र। आज का जो प्रोग्राम है रक्तदान शिबिर, हा प्रत्येक वाड़ा झाला पाहिजे। मैं प्रत्येक शिवसेनेला, प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांना मी विनंती करतो की असे प्रोग्राम प्रत्येक वाड़ा झाले पाहिजे। आणि आज खरखर पाहायला भेटलं की आज सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्र येऊनशी जी एकता दाखवलेली आहे ती खूप मोठी गोष्ट आहे। मी जास्त काही बोलत नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। किगल भाई, क्या बोलना चाहेंगे किगल भाई इस ब्लड कैंप के बारे में? परसों 2 दिन पहले आप लोगों ने भी रखा था, पर आज शिवसेना पार्टी की तरफ से रखा गया। ये जो ब्लड कैंप रखा गया है इसमें सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हमारी यही कोशिश रहेंगी और हमारी ये रिक्वेस्ट रहेंगी सब लोगों से, सब भाइयों से, हर धर्म के लोग से, हर जाति और लोगों से, सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और खूब एक दूसरे के लिए बहुत दिल से एक दूसरे के लिए काम करें, और यह हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। एक आखिरी बार हम असद भाई से एक ही सवाल करेंगे, मुझे लगता है वो सही इंसान होंगे इसका जवाब देने के लिए। असद भाई, जिस तरीके का वातावरण आज चल रहा है उसी बीच में एक रक्तदान कैंप भी रखा गया है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी चीज़ें मुझे लगता है हर गली हर नुक्कड़ पर हर दिन होना चाहिए ताकि वो मोहब्बत कायम रहे। तो क्या मैसेज आप देना चाहोगे लोगों को? देखो, सर्वधर्म समभाव की भावना लेकर चलने वाली शिवसेना पहले से थी, आज है और आगे भी रहेगी, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने जो सिखाया है वो सीख लेकर चलने वाले लोग, और आज भी हर एक हिंदू मुस्लिम सब धर्म के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले, ना कि जात धर्म देखने वाले लोग आज यहाँ पर है उसके लिए। और ये ज़रूरी भी है कि आज का जो वातावरण आपने बताया कि आज का जो वातावरण है उस हिसाब से हर एक को खून का कोई कलर नहीं होता, कलरों में बट गए हैं, जानवर भी बट गए, हर चीज़ बट गई, लेकिन खून कभी नहीं बट सकता। बस असद भाई से पूछने की वजह ये रही है कि 365 दिन में जितने भी हिंदुस्तान में कार्य होते हैं वो सबसे पहले इनके ऑफिस पर होते हैं, उसके बाद में शायद वर्सोवा गांव में या वर्सोवा विधानसभा में होते होंगे। सुहेल भाई, एक इसके ऊपर आप एक शायरी या कुछ आपकी कुछ दो बात रखना चाहेंगे? 2 मिनट के लिए यहाँ आ जाइए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यारी गली मित्र मंडल की तरफ से ये रक्तदान का प्रोग्राम रखा गया है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। रक्तदान जो है ये सबसे बड़ा दान है, और सभी धर्म के लोग यहाँ दिख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आए हुए हैं। तो इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो,
खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो और हरे लाल रंग में ना बांटो हमको, मेरे छत पे एक तिरंगा रहने दो। दोस्तों ये आप देख सकते हो सब एक साथ में, ये है एक्चुअल भारत। सैयद इमरान, टुडेज वॉइस 24 न्यूज़।